हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए आज बिहार की सुप्रसिद्ध डिश लिट्टी चोखा के स्वाद का मजा लेते हैं। ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही यम्मी होती है, जो एक बार खा लेते हैं इसके दीवाने ही हो जाते हैं। बहुत से लोग इसे डीप फ्राई करके बनाते हैं, बट बाटी तो असल तभी है जब इसे सेक के बनाया जाए। और असल में जब ये कोयले या उपले की आग में सेका जाता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। बट मैं तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप व्हीट फ्लोर लिया है आटा। इसमें हम थोड़ी सी मोइन के लिए ऑयल डालेंगे। हमने कैनोला ऑयल डाला हुआ है, ये लगभग 10 ग्राम होएगा, 2 टेबल स्पून। और इसमें 2 पिंच सोडा बाइकार्बोनेट, मतलब मीठा सोडा, और थोड़ी सी साल्ट, 1/2 टीस्पून। इससे पहले मैंने बैंगन को चूल्हे पे भूनने के लिए रख दिया है और आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है, भरते के लिए, चोखे के लिए। तो इसकी मैं एक डो बना लूँगी। मतलब ये डो जो है ना ज़्यादा ढीले होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त, एक मीडियम, जैसे पूड़ी की आटे बन होती है उस टाइप की मैं इसकी डो बना लूँगी। अब ये डो जो है बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है। और फिर हम इस डो के इस साइज के पेड़े बना लेंगे। अब इस तरह से मैंने सारे आटे की इस साइज में पेड़े बनाकर रख लूँगी। आइए फिर अब सत्तू के स्टफ जो इसके अंदर फिल करेंगे, हम स्टफ करेंगे, वो मिक्सचर बनाते हैं। ये जो मैंने अभी स्टफिंग के लिए सत्तू ली है, ये भुने हुए चले, जो रोस्टेड चने होते हैं उसकी पाउडर की हुई होती है जनरली, तो ये मैंने लिया है 1 कप। और मैंने चॉप करके अनियन रखा हुआ है, बारीक काट कर। ये अनियन, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 ग्रीन चिली, 1 इंच जिंजर क्रश करके। अगर आप चाहें तो जिंजर एंड गार्लिक को कूट भी सकते हैं थोड़ा, मैंने काट कर लिया है बारीक कटा हुआ। और थोड़ा लास्ट में ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया के पत्ते, और 1/2 नींबू का रस। इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। ये मैंने ले लिया और इसमें 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अचार की ऑयल भी ले सकते हैं, अचार वाली जो तेल होती है, मैंने प्लेन मस्टर्ड ऑयल ही लिया है। और नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी इसमें नमक जो है तेज होना चाहिए साल्ट, ताकि जब स्टफ करेंगे तो उसमें अच्छे से इसकी टेस्ट आए। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें ये क्योंकि थोड़ा भरभरा होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी सी पानी भी ऐड करूंगी। ये गीली नहीं होती है, जो सत्तू है ये पानी बहुत ऑब्जर्व करता है, तो मैं थोड़ी सी पानी डाली। अब इसे मिक्स करूंगी, ये भरभरा सा मिक्स तैयार हो जाएगा इसका। ये देखिए, अब ये मिक्स बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, बहुत ही एकदम परफेक्ट है ये। अब इस मिक्स को मैंने जो आटे के पेड़े बनाए हुए हैं, हर पेड़े में मैं स्टफ करूँगी। अब मैं हर पेड़े को इस तरीके से ऐसे कटोरी बना लूँगी और इसमें जितना हो सके, जितना स्टप किया जा सकता है उतना स्टप करूँगी अच्छे से। और इसको इस तरह से बंद कर दूँगी और इस तरह से थोड़ी सी चपटी आकार दे दूँगी। इस तरह से, इस तरीके से मैं हर पेड़े को बना दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे पेड़े स्टफ करके रख लिया है, रेडी हो गया। अब इसे मैं बेक करती हूँ।
मैं इसे OTG में बनाऊंगी। ऐसे माइक्रोवेव जो है कन्वेक्शन वाली माइक्रोवेव में भी ये बन सकता है, बट मैं OTG में बनाऊंगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा टेस्टी आता है। तो ये जो OTG की ट्रे है मैं इसमें एक लाइन से लगा दूंगी। और जो गांव में पिंड में उपले की आग में बनते हैं ना, जिसे गोबर को सुखाकर जो कंडे बनाते हैं, उपले कंडे गोइठा जो भी बोलिए उसकी आग में बनाते हैं, बट मैं यहाँ ओवन में बना रही हूँ। तो ये मैंने OTG की ट्रे में सारे सेट कर दिया। अब इसे मैं OTG में डाल दूंगी अंदर। ये डाल दिया। अब इसे मैं ब्रॉयल मोड पे, जो ग्रिल्ड होते हैं ना, इस पे रखा हुआ है 250 सेंटीग्रेड हीट पे। और इसे मैं 20 मिनट पे सेट कर दिया है मैंने। पहले से मैंने 5 मिनट प्री हीट किया हुआ था और अभी 20 मिनट पे सेट कर दिया है। तो ये धीरे धीरे अच्छे से सिंक जाएंगे जब तक मैं भरते की तैयारी करती हूँ। आइए, बैंगन को मैंने भरते के लिए भून लिया है। अब मैं इसे पानी में डिप करके और इसके छिलके उतार लूँगी। तो ये बैंगन मैंने जो भुना हुआ था, भून लिया था, उसे मैंने ये छिल कर रख लिया है। इसे मैं फोक के सारे ऐसे मैश कर लूँगी। और ये आलू भी जो है ये भी बॉईल किया हुआ था, इसे छिल लिया है, अब इसे भी मैश कर लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई रखा है स्टोव पे, इस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैंने, आप देख रहे हैं, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये गरम होने के बाद इसमें थोड़े से मस्टर्ड की तड़का लगाई है। अब ऑयल गरम हो गया, इसमें राई जीरा तड़क गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग डाल दिया। अब इसमें मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ है अनियन। अनियन को थोड़ा गोल्डन होने तक भून लेते हैं, जब तक मैं अपनी बाटी की हाल देखूं। ये देखिए गोल्डन जैसे हो गए हैं वन साइड। अब इसे मैं थोड़ी इसकी प्लेस एक्सचेंज कर देती हूँ। जो बीच वाले हैं देख रहे हैं, ये नहीं सीखा है, तो इसे मैं इस साइड कर देती हूँ। और जो भुने हुए हैं उसे मैं अंदर के साइड कर देती हूँ। जो थोड़े कच्चे कच्चे से हैं उसे मैं साइड में कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये सेक रहे हैं और ये फट गई है। ये निशानी है कि ये बहुत अच्छे से भून रहे हैं। होने ही वाली है। फिर से मैंने डाल दिया। अब इसे मैं थोड़ा हीट कम कर दूंगी। 200 पे कर दिया मैंने, नहीं 150 पे कर दिया, 150 सेंटीग्रेड पे। ये ऑनियन जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी। मैंने इसे कूट लिया था, पेस्ट नहीं है, दरदरा कूटा हुआ। और 1 ग्रीन चिली,
ग्रीन चिली वन ही डालिए क्योंकि थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर भी डालूंगी, और टमाटो, इन सबको अच्छे से भूनूंगी मैं। हल्दी पाउडर, थोड़ी सी चिली पाउडर, इन सबको अच्छे से भूनने देते हैं। और जब तक ये हमने देखो भुनी हुई जो बैंगन थी इसे मैश कर लिया है, पोटैटो भी, बॉइल्ड पोटैटो ये भी मैश कर लिया है। अब इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनते हैं, फिर लिट्टी की हाल देखूं। लिट्टी तो बहुत ही अच्छी बन गई है। ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इसमें अब मैं थोड़ी टेस्ट के हिसाब से साल्ट डाल दी। अब मैं इसमें बैंगन डाल दिया, पोटैटो भी डाल दिया, बहुत ही अच्छी। थोड़ी सी इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी ताकि ये बारीक हो जाए। अब इसमें मैं इसे कवर कर देती हूँ, इसमें थोड़ा उबाला आने देती हूँ, ये एक उबाला आ जाए। देख रहे हैं इसमें ये बॉईल हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने 5 मिनट इसे कवर करके रखा हुआ था। अब इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ये मिक्स किया। अब ये रेडी है, स्टोव बंद करती हूँ। अब जो है लिट्टी को मैं घी में डिप करूंगी। अब मैंने इस लिट्टी को घी में डिप कर दिया है। घी में डिप करके इसे प्लेट में सर्व कीजिए। और ये देखिए इसकी लुक, बिल्कुल देसी स्टाइल, अनियन, मिर्च और चोखा दही के साथ लिट्टी। और इस लिट्टी को खाने के पहले आप इसे जोर से हाथ से ऐसे क्रश कर दीजिए ऐसे। अब इसे खाने में बहुत मजा आएगा, चाहे तो तोड़ के इसमें डिप करके खाइए, चाहे इस क्रश किए हुए लिट्टी के ऊपर भरता डालकर स्पून से खाइए, जैसे मर्जी खाइए और इसका मजा उठाइए। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।